69 फिल्म फेयर अवार्ड्स के विनर की अनाउंसमेंट हो चुकी है। बॉक्स ऑफिस की तरह ही अवार्ड सेरेमनी में भी रणबीर कपूर की एनिमल और विधु विनोद चोपड़ा की 12वीं फेल छाई रही, जहां 12वीं फेल को 4 कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं। वहीं एनिमल ने 3 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। आइए जानते हैं बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसे मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। ये डायरेक्टर डेविड धवन को मिला। वहीं बेस्ट फिल्म क्रिटिक अवार्ड मूवी जोरम को गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को फिल्म 12वीं फेल के लिए मिला। वहीं बात करें अगर बेस्ट फिल्म की तो 12वीं फेल को ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट को फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए अवार्ड मिला। वहीं बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए अवार्ड दिया गया। बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल कैटेगरी में आदित्य रावल को फिल्म फराज के लिए अवार्ड दिया गया। वहीं अगर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस फीमेल कैटेगरी की बात करें तो अलीजे अग्निहोत्री को फिल्म फर्रे के लिए अवार्ड दिया गया। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड तरुण डुडेजा को फिल्म धक धक के लिए गया। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड शबाना आजमी को मिला फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस और शेफाली शाह को फिल्म 3 ऑफ अस के लिए दिया गया। वहीं अगर बात करें बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स की तो विक्रांत मैसी को फिल्म 12वीं फेल के लिए अवार्ड दिया गया। वहीं बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य को गाने तेरे वास्ते फिल्म जरा हट के जरा बचके के लिए दिया गया। वहीं बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड एनिमल मूवी के लिए गया, जिसमें प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भारद्वाज, श्रेयस पुराणे, जानी, भूपेंद्र बब्बल, आशिम केम्सन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिगल को यह अवार्ड दिया गया। वहीं अगर बात करें बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन मेल कैटेगरी की तो भूपेंद्र बब्बल को गाने अर्जन वैली फिल्म एनिमल के लिए अवार्ड दिया गया। चलिए अब बताते हैं आपको बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन फीमेल कैटेगरी का अवार्ड किसे दिया गया। तो शिल्पा राव को बेशरम रंगा ने फिल्म पठान के लिए अवार्ड दिया गया। वहीं अगर बेस्ट स्टोरी की बात करें तो अमित राय को फिल्म OMG 2 के लिए अवार्ड दिया गया। वहीं बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को फिल्म 12वीं फेल के लिए दिया गया और बेस्ट डायलॉग्स का अवार्ड इशिता मोइत्रा को फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया। इन सारे अवार्ड्स पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी शोबिज के साथ।